Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning presents daily the Hindu vocabulary powered by Vocab24 app. और अगर friends अभी तक आपने government exams की preparation अच्छी नहीं करी है या फिर अगर आपके अभी भी कहीं loopholes है तो आप Wi-Fi Study के courses purchase कर सकते हैं friends, जो कि online, pen drive, SD card सभी में available है. यहाँ पर friends preparation करना बहुत आसान है. यहाँ पर 300 से ज़्यादा videos आपके पास में available हो रहे हैं. आप इन videos को देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 7023333675 के ऊपर. और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप Vocab24 के प्राइम मेंबर नहीं बने हैं तो प्राइम मेंबर बनना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकें, जो कि सबसे बड़ा हर्डल होता है हर एक बच्चे के. तो देखते हैं आज का अपना पहला वोकैब क्या है. वो है फेरेट आउट. ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अनकवर एंड ब्रिंग टू लाइट. तो किसी भी चीज़ को खोजना, किसी भी चीज़ का पता लगाना, किसी भी चीज़ को अनकवर करना, डिस्कवर करना, उसको अपन फेरेट आउट कहते हैं. सिनोनिम आप देख सकते हैं, बड़े ही आसान है. अनअर्थ, अनकवर, डिस्कवर, डिटैच, सर्च आउट, इलिसिट, ब्रिंग टू लाइट. अब यहाँ पे जो ये इलिसिट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और एंटीनम्स में कवर या फिर हाइड. एग्जाम्पल देखते हैं. द डिटेक्टिव फेरेटेड आउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ द विटनेसेस. यानी कि जो डिटेक्टिव था उसने पता लगाया जितने भी सीक्वेंस थे इवेंट्स के, क्वेश्चन करके सभी विटनेस से. अब इसके वर्ब फॉर्म्स क्या है, फेरेट आउट, फेरेटेड आउट एंड फेरेटेड आउट. अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है. घर से आउट जाने पे ही फेरेट आउट होता है. तो देखिए, फेरेट आउट का मतलब होता है पता लगाना. किसी भी चीज़ का अगर आप पता लगा रहे हो तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा. देखिए, नोबडी ओन्स द वर्ल्ड सो फील फ्री टू एक्सप्लोर इट. ओके, तो देखिए दुनिया, जैसे कि आपको अगर ट्रैवलिंग पसंद है, अगर आपको चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है, आपको कुछ चीज़ें पता लगानी है कि कौन सा देश कितना अच्छा है, दुनिया कितनी खूबसूरत है, तो आपको घर से आउट जाना पड़ेगा. और आउट जाने के बाद ही आप क्या कर पाओगे, फेरेट आउट कर पाओगे. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं इसको, कि घर से आउट जाने पे ही फेरेट आउट होता है. या फिर इस तरीके भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फिरने वाले लोग फेरेट आउट करते हैं. तो जो फिरते हैं यानी कि जो घूमते हैं, वो लोग चीज़ों को फेरेट आउट करते हैं, यानी कि उनका पता लगाते हैं. तो फेरेट आउट का मतलब हुआ कोई भी चीज़ का पता लगाना, खोजना, डिस्कवर करना, अनकवर करना. ठीक है, तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप इसको हमेशा के लिए याद कर पाएंगे. और अपना सेकंड वोकैब है प्रोजेनी. प्रोजेनी एक नाउन है जिसका मतलब है डिसेंडेंट और द डिसेंडेंट ऑफ ए पर्सन, एनिमल और प्लांट. तो किसी भी चीज़ का जो वंश होता है उसको अपन प्रोजेनी कहते हैं, जिसको अपन ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं या फिर डिसेंडेंट कहते हैं. एंटर्म्स होंगे पेरेंट, प्रीडेसेसर और या फिर एसेंटर्स. अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम्पल देखते हैं. बिकॉज द बिलियनियर्स बैचलर डिज नॉट हैव ए प्रोजेनी, हिज एंटायर स्टेट वेंट टू द चैरिटी व्हेन ही डाइड. यानी जो बिलियनियर था वो बैचलर था और उसका कोई भी वंश नहीं था, इसी वजह से उसका पूरा पैसा, प्रॉपर्टी एक चैरिटी को दे दी गई. रिलेटेड वर्ड क्या है, प्रोजेनिटर, यानी कि अ पर्सन और थिंग फ्रॉम विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट इज डिसेंडेंट और ओरिजिनेट, एंड एसेंटर और पेरेंट. ठीक है, अब देखते हैं इसके ट्रिक कितनी आसान है. ये प्रोजेनी बहुत सालों इंडिया में जिया है. तो ये प्रोजेनी बहुत सालों से इंडिया में जिए हैं. तो प्रोजेनी को मैं जिए से रिलेट कर रहा हूँ. प्रोजेनी यानी कि कोई भी जिनके वंश हैं, जैसे कि मुगल एम्पायर. आप सभी को पता है मुगल एम्पायर काफ़ी सालों तक इंडिया के अंदर रहा है. ओके, 15 से लेकर 18 सेंचुरी तक. तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये प्रोजेनी बहुत सालों तक इंडिया में जिए हैं. तो प्रोजेनी को मैं जिए से लेट कर रहा हूँ, प्रोजेनी को जिए से. ओके, अगर आप पेपर में ये वर्ड देखेंगे तो डेफिनेटली इसको हमेशा याद कर पाएंगे और हमेशा रिकग्नाइज कर लेंगे कि प्रोजेनी के मतलब जीने से था कुछ. यानी कि जो मुगल थे वो इंडिया में बहुत साल जिए, उनके एक के बाद एक जो वंश थे वो बहुत सालों तक यहाँ पर रहे हैं. तो इस तरीके से प्रोजेनी को आप याद कर सकते हैं कि ये प्रोजेनी बहुत सालों से इंडिया में जिए हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं वेल लाइन. वेल लाइन एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट. तो कोई भी चीज़ जो कि वेल लाइन होती है उसका मतलब होता है कि ऑलमोस्ट वो वहाँ तक पहुँच गई है. ऑलमोस्ट, नियरली, जस्ट अबाउट, प्रीटी मच, प्रीटी वेल और एंटीनम्स है बेरली, हार्डली या फिर स्केर्सली. अब देखिए ऑलमोस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कट ऑफ थी आपकी 140 मार्क्स की एसएससी सीजीएल की. 140 तो इस बार नहीं जाएगी, फॉर एग्जांपल 115. ओके, ये जनरल की कट ऑफ है. आप क्या है 113. तो आप क्या कहेंगे कि मैं वेल लाइन, ओके, मैंने पेपर क्लियर कर दिया था. वेल लाइन यानी कि मैंने ऑलमोस्ट पेपर क्लियर कर दिया था. तो वहाँ पे आप वेल लाइन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. एग्जांपल क्या है, कंप्लीटिंग 100 मीटर ट्रैक इन 5 सेकंड इज़ वेल लाइन इम्पॉसिबल. यानी कि जो कंप्लीट अगर आप 100 मीटर ट्रैक को 5 सेकंड में करना, लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक यूसेन बोल्ट का ही है जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड है. ओके, 9.58 सेकंड का. अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है. 99 पे आउट होना वेल लाइन सेंचुरी मानी जाती है. तो अगर कोई देखिए 99 पे आउट हुआ तो अपन क्या बोलते हैं कि लगभग तो सेंचुरी हो ही गई है इस प्लेयर की. ओके, तो इस तरीके से आप
99 को वेन 9 से रिलेट कर सकते हैं कि 99 पे आउट होना वेन 9 सेंचुरी माना जाता है। वेन 9 यानी कि ऑलमोस्ट लगभग वो सेंचुरी ही मानी जाती है। ओके, बस रिकॉर्ड्स के अंदर एक वो हाफ सेंचुरी है, अदरवाइज लोगों के नज़र में वो सेंचुरी ही होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 9 को वेन 9 से रिलेट करके याद कर सकते हैं। उम्मीद है इस वर्ड से, ओके 99 रन से आप इस वर्ड इस वोकैब को कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है वॉल्युबिलिटी। वॉल्युबिलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ टॉकिंग फ्लुएंटली, रेडिडली और या फिर इंसिसेंटली। कोई भी वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई भी पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है, टॉकेटिव होता है, उसको अपन वॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। लक्वेशियसनेस, गैरुलियसनेस, वर्बोसनेस, वर्डीनेस, चैटीनेस। अब यहाँ पे लक्वेशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, साथ में गैरुलियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में सक्सेसेंट भी इंपॉर्टेंट है, सक्सियंट, ओके, और कंसाइसनेस, ये इसके एंटोनिम्स है। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर ड्रिंकिंग ए फ्यू बियर द बियर्स ही बिकेम वॉल्यूबल एंड टॉक नियरली फॉर 3 आवर्स। यानी कुछ बियर पीने के बाद में वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो गया और उसने 3 घंटे तक बातचीत करी। रिलेटेड वर्ड क्या है? वॉल्यूबल यानी कि टॉकिंग फ्लुएंटली, रेडिडली और इंसिसेंटली। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, ज़्यादा वॉल्यूम हो गया तो वॉल्यूबल हो गया। तो देखिए किसी का ने क्या किया, ज़्यादा वॉल्यूम में क्या कर लिया, एल्कोहल पी ली, तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हो जाएगा। आपने देखा होगा जो ज़्यादा नशे में होते हैं वो ज़्यादा बातें करते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं, जो कि टॉकेटिव नहीं थे जो वो भी टॉकेटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि ज़्यादा वॉल्यूम हो गया तो वॉल्यूबल हो गया, वॉल्यूबल यानी कि टॉकेटिव हो गया, और वॉल्यूम किस चीज़ का ज़्यादा हो गया, अल्कोहल का ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन वॉल्यूम को वॉल्यूबल वर्ड से, देखिए कितने ज़्यादा सिमिलर वर्ड हैं, ओके, डोंट यू फील दिस, कि कितने ज़्यादा सिमिलर वर्ड हैं वॉल्यूम और वॉल्यूबल। तो इस तरीके से आप इसको हमेशा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेंडियम। कंपेंडियम क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंसाइज बट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी सब्जेक्ट की अगर किसी के पास है, ओके, तो उसको अपन कंपेंडियम कहेंगे, जिसको अपन कहते हैं कि सारांश, जिसको अपन कहते हैं, ओके, अ कलेक्शन ऑफ कंसाइज बस डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो कोई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, कंपेंडियम कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट, ब्रीफ, ओके, और डाइजेस्ट, इपिटॉम, इसेंस, ये सब इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम्स है एनलार्जमेंट, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन या फिर एब्रिजमेंट। और एग्जाम्पल देखते हैं, ड्यूरिंग द इवेंट अ फुटबॉल प्लेयर विल ऑक्शन ए कंपेंडियम ऑफ हिज पर्सनल आइटम्स इंक्लूडिंग ए साइंड जर्सी एंड फुटबॉल फॉर चैरिटी। यानी कि एक इवेंट के तौर टाइम पे फुटबॉल प्लेयर ऑक्शन में अपने कुछ, ओके, चीज़ें, अपने जो कुछ जो उसका कलेक्शन था, कंसाइज चीज़ों का, पर्सनल आइटम जैसे कि उसके साइन जर्सी और फुटबॉल, चैरिटी के लिए ऑक्शन करेगा। वह फॉर्म्स क्या है, लैटिन वर्ड है, से इसका ओरिजिन निकला है, लैटिन कॉम का मतलब टुगेदर होता है, पैंडियम का मतलब वेज करना होता है। अब देखिए इसका ट्रिक कितनी आसान है, कंपेनियन को कंपेंडियम समझाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए कंपेनियन जो होता है वो होता है आपका साथी। अगर आपका कोई दोस्त है जो कि आपके साथ में टाइम स्पेंड करता है या काफ़ी टाइम बिताता है, तो आपको उसको हर चीज़ समझानी पड़ेगी, चाहे शॉर्टली समझाइए, चाहे उसको अच्छे से समझाइए, डिटेल में समझाइए, लेकिन उसको आपको कंपेंडियम करना ज़रूरी है। तो कंपेनियन को कंपेंडियम करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो वोकैब आपको सीखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों को कंपेनियन का मतलब नहीं पता वो भी जान लीजिए, साथी को बोलते हैं अपन कंपेनियन, और कंपेनियन को आपको सब कुछ बताना ज़रूरी होता है, तो कंपेंडियम करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से कंपेनियन और कंपेंडियम, इन दोनों को रिलेट करके अपन इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कंपेनियन का मतलब क्या है, सारांश, ए कलेक्शन ऑफ कंसाइज बट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जो कि एब्स्ट्रैक्ट करके ब्रीफली अगर आपने बताई है तो उसको अपन कंपेनियम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इंजंक्शन। इंजंक्शन एक नाउन है जिसका मतलब है ना अथॉरिटेटिव वार्निंग और ऑर्डर। तो किसी भी चीज़ का आज्ञा देना, आदेश देना, डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन देना, उसको अपन इंजंक्शन कहते हैं। कमांड, इंस्ट्रक्शन, डिक्टम, फिएट, ऑर्डेनमेंट, ये सब इसके सिनोनिम है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट आपके लिए देखिए डिक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल द कोर्ट इश्यूज एन इंजेक्शन दैट नो वन शुड वॉन्डर द स्ट्रीट आफ्टर कर्फ्यू। यानी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आज्ञा दी है कि कोई भी घूमेगा नहीं स्ट्रीट के ऊपर कर्फ्यू के बाद में। वह फॉर्म्स क्या है, और इंजेक्ट, इंजेक्टेड एंड इंजेक्टेड, और रिलेटेड वर्ड क्या है, इंजेक्ट यानी कि इंश्योर लीगल इंजेक्शन अगेंस्ट। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, जंक्शन पे बिन टिकट के जाने का इंजेक्शन दिया पुलिस ने। तो देखिए जंक्शन पे हमेशा आपको पता है ये प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होता है, ओके, और नहीं खरीदते तो आपके जुर्माना लगता है। तो पुलिस ने क्या किया कि जंक्शन पे बिन टिकट के जाने का इंजंक्शन दिया, ओके, कि आपको बिन टिकट नहीं जाना है, जंक्शन पे बिन टिकट के
जाने का इंजेक्शन दिया पुलिस ने, यानी कि आज्ञा दी आपको, आदेश दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी कि उसको अंदर जाना ही था, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म टिकट ले सके, तो पुलिस वालों ने क्या किया, जंक्शन पे उसको बिन टिकट के जाने का इंजंक्शन दिया, यानी कि उसको आज्ञा दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जंक्शन जो वर्ड है, वहाँ पर अगर कोई आपको अलाउ कर दे, ठीक है, कोई ऑर्डर करके, अगर कोई पुलिस वाला आपको ऑर्डर कर दे कि हाँ भाई आप जा सकते हैं जंक्शन पे, तो आपने क्या बोलते हैं अपन उसको, इनजंक्शन कहते हैं, यानी कि आपको ऑर्डर मिल गया है, कमांड मिल गई है आपको। ओके, तो इस तरीके से इनजंक्शन वर्ड को अपन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइसन डेटर। तो राइसन देखिए एक नाउन है जिसका मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन और पर्पस ऑफ समथिंग और समथिंग एग्जिस्टेंस। तो कोई किसी चीज़ का जो उद्देश्य जो होता है, कारण जो होता है, पर्पस, उसको अपन राइसन कहते हैं। नोइंग दैट वायलेंस इज नॉट द प्रिंसिपल राइसन टू मीट द डिमांड वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। यानी जब पता लगा कि जो वायलेंस है वो कोई प्रिंसिपल रीजन नहीं है, ओके, डिमांड को पूरी करने का, तो वर्कर्स ने स्ट्राइक को बंद कर दी। ओरिजिन कहाँ से है, फ्रेंच वर्ड से है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन राइसन है, तो राइसन जो ये वर्ड है इसी से आप रीजन को रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है उसको अपन राइसन भी कहते हैं, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली। तो इस तरीके से रीजन और राइसन देखिए कितने दोनों सिमिलर वर्ड हैं और आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन राइसन। देखते हैं नेक्स्ट वन, क्लीक। क्लीक क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्मॉल क्लोज निट ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट रेडिली अलाउ अदर्स टू ज्वाइन देम। तो देखिए कोई जो एक गुट होता है, ग्रुप होता है, उसको अपन कहते हैं क्लीक, ठीक है, कॉटरी, ग्रुप, कैबल, फैक्शन, पोज, ये सब इसके बहुत ही कॉमन सिनोनिम है, जहाँ पे आपके पेपर के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे, इंडिविजुअल और एग्जाम्पल, इलेन डिड नॉट रिसीव एन इन्विटेशन टू रेशल बर्थडे पार्टी बिकॉज शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर क्लीक। यानी जो इलेन थी उसको रिसीव नहीं हुआ इन्विटेशन रेशल की बर्थडे पार्टी का, क्योंकि वो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। ओरिजिन कहाँ से, ओल्ड फ्रेंच वर्ड से है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, फोटो क्लिक करने के लिए क्लिक में खड़े होते हैं। तो अगर आप देखिए फोटो क्लिक करेंगे तो आपको किस में खड़ा होना पड़ेगा, ओके, गुट में खड़ा होना पड़ेगा, आपको ग्रुप में जाना पड़ेगा, आपको ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, फोटो क्लिक करने के लिए आपको क्लिक में खड़ा होना पड़ता है, क्लिक में यानी कि ग्रुप के अंदर खड़ा होना होता है। तो इस तरीके से देखिए जो नॉर्मल सा एक वर्ड है क्लिक, जब आप फोटो क्लिक करते हैं उसको आप क्लिक से लिख करके इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ओके, कितना सिंपल हो गया है अपने लिए वो क्या याद करना, जो बेसिक से टर्म है जो कि आप मैं हमेशा से बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, क्लिक करना, ओके, रीजन, तो कितने सिंपल सिंपल से वर्ड है जिससे आजकल अपन क्या कर रहे हैं, वो क्या आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुश्किल वर्ड को अगर अपन सिंपल वर्ड से रिलेट करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, अगर उसे यूज़ करेंगे तो हमेशा के लिए इसे याद कर पाएंगे। तो फोटो क्लिक करने के लिए क्लिक में खड़े होते हैं, यानी कि ग्रुप में खड़े होते हैं। नेक्स्ट है कोजी, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गिविंग ए फीलिंग ऑफ कम्फर्ट, वार्मथ एंड रिलैक्सेशन। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही आरामदायक होती है, सुखद होती है, कंफर्टेबल होती है, उसको अपन कोजी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होम भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्नग भी इंपॉर्टेंट है, और एंटोनिम्स तो आसान है ही। एग्जाम्पल देखते हैं, ए फाइव स्टार होटल रूम इज़ ऑलवेज कोजी फॉर एनीवन टू स्टे इन। यानी जो फाइव स्टार होटल है, रूम होता है, वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है किसी के रहने को लेकर। रिलेटेड वर्ड क्या होंगे, कोजीनेस यानी कि आराम, सुख और या फिर सुखदत्ता। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, विंटर में कोट कोजी फील करवाता है। तो विंटर में जो कोट है आपका वो कैसे फील करवाता है, कोजी फील करवाता है, यानी कि बड़ा ही कंफर्टेबल फील करवाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोट को कोजी से रिलेट कर रहा हूँ कि विंटर में अगर आपने कोट पहन लिया तो बहुत ही कोजी फील करवाता है वो आपको, बहुत ही आरामदायक फील करवाता है। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विंटर्स आने वाले हैं, और इस वोकैब को आप अपने पेपर के लिए भी स्ट्रांग बना सकते हैं। ऐसे ही करते करते अपन सारे वोकैब सीख लेंगे फ्रेंड्स। तो विंटर में कोट कोजी फील करवाता है। नेक्स्ट है आज का और लास्ट है इनिग्मैटिक। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डिफिकल्ट टू इंटरप्ट और अंडरस्टैंड। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, पजलिंग हो, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो, उसको अपन क्या कहते हैं, इनिग्मैटिक कहते हैं। ओके, यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम तो बड़े ही आसान है, और क्लियर को आप याद कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट भी कहते हैं, क्लियर को एक्सप्लिसिट भी कहते हैं। एग्जाम्पल, फॉर द डिटरमाइंड मेडिकल रिसर्च द क्योर फॉर कैंसर इज एन इनिग्मा विच मस्ट बी डिस्कवर्ड। यानी जो एक एक डिटरमाइंड मेडिकल रिसर्चर है, उसके लिए जो क्योर है कैंसर का, वो बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि उसको पता करनी है। रिलेटेड वर्ड क्या है, इनिग्मा यानी कि समवन और समथिंग दैट इज मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसको याद करने का तरीका कितना आसान है, ये मैथ की प्रॉब्लम्स इनिग्मैटिक हैं, तो इनिग्मैटिक को मैं मैथ से रिलेट कर रहा हूँ,
ओके आप सभी को पता है कि जिन लोगों की मैथ अच्छी नहीं है तो ये जो मैथ की जो हाई लेवल की प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज़्यादा इनिगमेटिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है उसको समझना। तो मैट्रिक से मैथ को अपन रिलेट करके इसे याद कर रहे हैं, ऐसा अपन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैथ मैट्रिक आ रहा है और अपन इस मैथ से रिलेट कर रहे हैं कि ये मैथ की प्रॉब्लम्स इनिगमेटिक है, यानी कि बड़ी ही मुश्किल है इनको समझना। ओके, और क्वेश्चन ऑफ द डे में देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे पूछा था पॉन्डरस का मीनिंग, इसका जो सही आंसर है वो हैवी, बी इसका सही आंसर है। काफ़ी लोगों ने आंसर सही कमेंट किया है। और आज का जो आपका वर्ड है जो आपको बताना है वो एक ऐसा वर्ड बताना है जो कि इसके मीनिंग के सिमिलर नहीं है। स्टैमी, स्टैमी का मतलब आपको बताना है जो कि इनमें से नहीं है, इनमें से यानी कि जो तीन वर्ड है उसका मतलब स्टैमी होगा और एक का नहीं होगा, वो एक आपको सेलेक्ट करना है। और मैजा कॉलम में देखते हैं कि अपने आज अपन ने किस तरीके से इन सभी को याद किया है। इनिगमैटिक को कैसे याद किया, मैथ की प्रॉब्लम्स इनिगमैटिक होती है यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट होती है। तो आपकी ये वाली पिक थी जो कि अपन ने यूज़ करी थी, कोजी विंटर में कोट कोजी फील करवाता है, तो ये सेकेंड। क्लिक, फोटो क्लिक करने के लिए ओके क्लिक में आना पड़ता है यानी कि ग्रुप में आना पड़ता है। राइसन का रीजन और राइसन एक ही बात है। इंजंक्शन ओके जंक्शन पे इंजेक्शन दिया, इंजंक्शन दिया यानी कि ऑर्डर दिया। कंपेंडियम, कंपेनियन को कंपेंडियम बताना पड़ता है यानी कि सब कुछ बताना पड़ता है ओके ब्रीफली। और वॉल्यूबिलिटी, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूबल हो गया यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने लग गया। वेन लाइन, 99 पे आउट हुआ तो वेन लाइन हो गया ओके यानी कि ऑलमोस्ट सेंचुरी के बराबर, ठीक है। और फेरेट आउट, आउट घर से आउट होके फेरेट आउट होते हैं यानी कि किसी चीज़ का पता करना, एक्सप्लोर करना। और प्रोजिनी ओके प्रोजिनी को कैसे कि ये लोग इंडिया में बहुत सालों तक, ये प्रोजेनी इंडिया में बहुत सालों तक जिए हैं यानी कि एसेंटर्स, इनके वंश ओके। तो इस तरीके से अपन ने इन मैजा कॉलम से याद, अपन ने इन सभी को रिवाइज किया। उम्मीद है कि आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे पॉज करेंगे और एक बार इसको वापस से रिवाइज करेंगे कि किस तरीके से आपने इनको याद किया और आपको कितना याद है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। कल मैंने आपको एक वर्ड दिया था ट्रिफल, जिसकी आपको ट्रिक बनानी थी, तो यहाँ पे देखिए राव जी ने और साक्षी जी ने दो अच्छी ट्रिक बनाई है। राव जी कहते हैं कि एग्जाम में उसकी रिफिल खत्म हो गई, ये कोई ट्रिपल बात नहीं थी उसके लिए। तो सही बात है कि अगर एग्जाम में रिफिल खत्म हो गई उसकी तो ये उसके लिए छोटी मोटी बात नहीं थी, तो ट्रिफल का मतलब होता है छोटी मोटी बात, ठीक है। तो रिफिल और ट्रिफल इस तरीके से इन्होंने रिलेट किया है। और साक्षी जी कहती है करोगे तो फ्यूचर में, अगर आप ट्रिफल करोगे तो फ्यूचर में कोई फल नहीं मिलेगा, तो ट्रिफल को फल से रिलेट किया है इन्होंने। ट्रिफल का मतलब है निरर्थक समय बर्बाद करना ओके। तो ट्रिफल और फल इस तरीके से इन्होंने रिलेट किया। और आज की जो आपको ट्रिक बनानी है वो कैबल वर्ड की बनानी है और मुझे भेजनी है। जो सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए नागेश यादव जी ने बहुत अच्छा सेंटेंस फ्रेम किया, राव जी ने बहुत अच्छा सेंटेंस फ्रेम किया है। तो उम्मीद है आप अपनी राइटिंग स्किल ऐसे इंप्रूव करते रहेंगे और सेंटेंस फ्रेम करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। कैसा लगा आपको ये वीडियो, साथ में वोकैब 24 और GK 24 ये दो एप्लीकेशन है, माइंड ब्लोइंग एप्लीकेशन है, एजुकेशन एप्लीकेशन जो कि आपको आपकी प्ले स्टोर पर मिलेगी, तो इसे डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।